अच्छा, हमारे समाज में एक और बहुत बड़ी कुरीति है, जैसे कोई मरता है ना, तो कोई मर गया तो लोग कहते हैं अब तुम्हारे यहां साल भर पूजा नहीं होगी। अरे भाई, कोई मर गया तो तुमने झूठ तो छोड़ा नहीं कि अब साल भर झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल कपट नहीं करना, साल भर छल नहीं करना, ना तो छल छोड़ा, ना झूठ छोड़ा, ना कपट छोड़ा, ना ईर्ष्या छोड़ी, ना निंदा चुगली छोड़ी, ले देख के भगवान का नाम जपते थे वही छोड़ दिया। भाई, जब कोई घर में मर जाता है तो साल भर आप बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? यज्ञ नहीं कर सकते। बड़े जैसे बड़े बड़े यज्ञ जो हुआ करते हैं, वो यज्ञों के लिए मनाही है, यज्ञ ना करें। परंतु आप एकादशी का व्रत करते हैं और आपके ससुर जी एकादशी को ही मर गए, तो आप लोग एकादशी छोड़ देते हैं, ससुर जी मर गए तो एकादशी के दिन आपने व्रत तो छोड़ दिया। क्या झूठ बोलना छोड़ा कि ससुर जी मरे हैं इस दिन झूठ नहीं बोलेंगे? नहीं, झूठ नहीं, चाय नहीं छूटी, चलो आज तंबाकू छोड़ देते हैं, पाउच नहीं खाएंगे, दादाजी मर गए। नहीं, कोई मर गया तो तंबाकू नहीं छोड़ी, सिगरेट नहीं छोड़ी, शराब नहीं छोड़ा, मांस नहीं छोड़ा, निंदा नहीं छोड़ी, चुगली नहीं छोड़ी, व्रत छोड़ दिया। इससे बड़ी मूर्खता का और क्या सबूत है? क्या छोड़ने जैसा है बताइए? अच्छाई छोड़ें या बुराई? जोर से। तो आप लोग अच्छाई क्यों छोड़ते हैं? अरे मरना जीना तो तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, ऐसे में तो कोई एकादशी रहेगा नहीं, क्योंकि आपकी पीढ़ी में कोई ना कोई तो एकादशी को मरा ही होगा। हजारों लोग आ गए ना तुम्हारी पीढ़ी में, तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप कोई तो मरा होगा एकादशी में, और कोई दीपावली में ही मर जाता, कोई होली में, तो सारा त्योहार ना करें? अरे भाई, मरना जीना ईश्वर के हाथ में है, इसलिए कोई भले मर जाए एकादशी के दिन, पर एकादशी के दिन जो मरा है उसका निश्चित सदगति होगी, उसका कल्याण होगा, इसलिए एकादशी और करनी है। छोड़ना है तो बुराइयां, अच्छाइयां, अच्छाइयां तो ले देख के दो चार ही होती हैं हमारे पास, और बुराइयां तो बहुत संख्या में, उन बुराइयों को हम नहीं छोड़ते। अच्छाई, एक मैया बोली महाराज एकादशी का उद्यापन कर लें। हमने कहा मैया तुमने झूठ का उद्यापन किया? नहीं। छल का उद्यापन किया? नहीं। निंदा का उद्यापन किया? नहीं। चुगली का उद्यापन किया? नहीं। आदमी बुराई का उद्यापन नहीं करता, अच्छाइयों का उद्यापन करके बैठ जाता है। लो कितनी बड़ी मूर्खता हमारे देश में है। उद्यापन ही करना है तो झूठ का कर लो मेरी माँ, ये दिन रात तुम दो दो घंटे जो निंदा बुराई करती हो इसका ही कर लो उद्यापन, उसका नहीं करेंगे, एकादशी नहीं करेंगे महाराज। अब एकादशी, अरे भाई एकादशी का व्रत तो सभी हिंदुओं को करना ही चाहिए, कोई व्रत भले ना करो पर एकादशी करना जरूरी। एकादशी का व्रत ना करने से पाप लगता है, आप रामनवमी नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, आप कृष्ण जन्माष्टमी नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, आप नवरात्रि नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, आप सोमवार का व्रत नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। पर हिंदू धर्म में लिखा है, सनातन हमारे गुरुजनों के आदेश हैं, एकादशी तो सबको करना चाहिए, बच्चे और बूढ़ों को छोड़ करके, ज़्यादा बूढ़े हैं मत करिए। हमारे गुरुजी तो इतने वृद्ध हैं कि बिस्तर पर लेटे हैं, अपने से उठ भी नहीं पाते, इतने वृद्ध हैं, शरीर जर्जर है, फिर भी हमारे गुरुजी एकादशी करते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत जो है, एकादशी भगवान श्रीमन्नारायण से प्रकट हुई है एकादशी, इसलिए भगवान का ही स्वरूप है एकादशी, एकादशी करना ही चाहिए। हम सभी हिंदुओं का परम त्योहार है। पहले के जमाने में जब हमारा देश गुलाम नहीं था तब हमारे भारत में संडे की छुट्टी नहीं होती थी, एकादशी की छुट्टी होती थी। फिर अंग्रेजों ने संडे की छुट्टी शुरू की, क्यों? क्योंकि संडे के दिन अंग्रेजों के
अंग्रेज जो होते हैं ना क्रिश्चियन होते हैं, और क्रिश्चियन लोग संडे के दिन वो अपने वहां जाते हैं चर्च में, इसलिए उन्होंने संडे की छुट्टी अनिवार्य कर दी। जबकि संडे की छुट्टी हमारे भारत में कभी नहीं होती थी पहले, पहले हमारे यहां एकादशी की छुट्टी होती थी, विशेष त्योहारों की छुट्टी होती थी एकादशी, ठीक है। तो हमारे यहां एकादशी की छुट्टी इसलिए होती थी ताकि हम लोग शांति से अपने घर में अपने परिवार के साथ एकादशी का आनंद से व्रत कर सकें। एकादशी का व्रत कैसे करना है, अपनी पत्नी अपने पति अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक उस दिन भगवान को समय दो। उस दिन किसे समय देना है, भगवान को। सवेरे जल्दी से उठ जाओ, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का चिंतन करो, भगवान को दूध से दही से घी से शक्कर से शहद से नहवाओ, भगवान का दिव्य अभिषेक करो, कपड़े पहनाओ, श्रृंगार करो, भगवान को भोग लगाओ बढ़िया फल फूल का। और आप लोग भी एकादशी में खा सकते हैं, फल खाइए, सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर लीजिए, सेंधा नमक खाइए, गोली दवाई खा सकते हैं, ये एकादशी ज्यादा से ज्यादा भगवान के चिंतन का नाम व्रत होता है। लेकिन इतना ज्यादा अज्ञान पांव पसार चुका है कि लोग व्रत ही छोड़ देते हैं। कई लोग कहते हैं फलाने मर गए हमारे यहां, रामनवमी को मर गए, बोले रामनवमी मान हो गई, अब रामनवमी नहीं रहेंगे क्योंकि बढ़ऊ चले गए। कृष्ण जन्माष्टमी को कोई मर गया, सास मर गई, अब कृष्ण जन्माष्टमी नहीं रहेंगे, सास मर गई। बुराई नहीं छूट रही है, अच्छाई अच्छाई, इसलिए जागो। शास्त्र में कहीं ये बातें लिखी नहीं है जो आप लोग मनमाने ढंग से कर रहे हैं, कहीं नहीं प्रमाण है इन बातों का, ठीक है।